हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कोई भी जियो का नंबर है तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूर से ज़रूर देख लें, शुरू से आखिरी तक देखें। जियो के अदर नंबर पे हम दूसरों के रिचार्ज करेंगे तो इसमें हम 4% का हमें जो है कैशबैक मिल जाएगा, मतलब कि हमारे जियो के वॉलेट में उसमें आ जाएगा। हम उसको अगले रिचार्ज का हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले हमको ये जो जियो पॉस लाइट, इसको हम गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना है। हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो चलिए कर देते हैं इसको यहाँ से ओपन। ओपन करने पर इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू जियो पेवर्स लाइट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, मीडिया। तो यहाँ सब ये तीनों चीज़ों को हमें कर देना है। यहाँ से अलाउ अलाउ करने का बोला था, हम कर देते हैं अलाउ। यहाँ से अलाउ कर देते हैं, तो सारे चीज़ों को हमें अलाउ अलाउ कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ से लिखा हुआ नीचे देख पा रहे हैं, जैसे कि साइन इन लिखा हुआ है, साइन अप लिखा हुआ है, दो चीज़ हुआ है। तो हमने अगर हम साइन अप हो जाएंगे तब साइन इन के ऑप्शन में जाएंगे, तो हमें करना है, रजिस्टर करना है, इसलिए साइन अप में जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी और जियो का नंबर मांग रहा है, तो चलिए हम यहाँ डाल देते हैं हमारा ईमेल आईडी और एक जियो का नंबर। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने ईमेल आईडी और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया है, जियो का नंबर। और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं गेट ओटीपी पे क्लिक, तो यहाँ से हम ओटीपी फिल कर देंगे। तो हमने ओटीपी डाल दिया है, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं वैलिडेट ओटीपी। यहाँ से हमको अलाउ कर देना होगा, यहाँ से हम इसको कर देते हैं। यहाँ जो पूछ रहा है लोकेशन, चूज योर लोकेशन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। पहले लोकेशन सेलेक्ट करना है, कुछ एरर आ रहा है तो हम यहाँ से फिर से चूज योर लोकेशन करेंगे। तो हाँ, यहाँ से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कि जो है इसको ओके कर देना है, नो थैंक्स नहीं करना है, इसको हम ओके करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ से चेक जो चेक बॉक्स है अलाउ आर जियो टू एक्सेस योर लोकेशन, यहाँ इसको टिक करेंगे, उसके बाद हमें कर देना है डन। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो है पिन कोड वो फेच कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पिन कोड यहाँ से फेच हो जाने के बाद हमें ये बॉक्स को टिक मार्क करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। जैसे कि ऊपर देख पा रहे हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप विद जियो पियोस लाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से नीचे कर देंगे यहाँ से डन, उसके बाद हमें साइन इन। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन इन होना है, हमने साइन अप कर लिया, अब करना है साइन इन। तो साइन इन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से जियो का नंबर डाल देंगे और ओटीपी, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए डाल देता हूँ मैं मोबाइल नंबर, तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ से गेट ओटीपी पे हम कर देंगे क्लिक, ओटीपी आएगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं ओटीपी, मेरे नंबर पे ओटीपी आ चुका है, तो मैंने वहाँ ओटीपी डाल दिया और उसको उस ओटीपी को हम कर देते हैं यहाँ से वैलिडेट ओटीपी। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि सेट एंटर एम पिन, एम पिन यहाँ से डाल देना है। हम जानते हैं कि हमें एम पिन कैसे सेट करना है, तो एम पिन डाल देते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर एक एम पिन डाल दिया है, 4 डिजिट्स का जो है एम पिन डाल दिया है, तो सेम 4 डिजिट का एम पिन हमें यहाँ पर डालना है। और कंफर्म करने के लिए मतलब दो बार मांगा गया है एम पिन, उसके बाद यहाँ पर सेटअप में हम क्लिक कर देंगे। एम पिन डाल दिया है, अब कर देते हैं यहाँ से सेटअप। तो जैसे कि इस तरह का इंटरफेस आ गया, मतलब कि लॉगिन हो गया है। वो पिन को हमें याद रखना है, उसी से हमारा जो भी ट्रांजेक्शन करना है, कुछ भी हम रिचार्ज करेंगे दूसरे जो जियो के नंबर पर, दूसरों के नंबर पर या खुद के नंबर पर करेंगे तो वो एम पिन पूछा जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे रिचार्ज के ऑप्शन में जाएंगे तो ये रिचार्ज करने नहीं देगा। देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन आता है, क्या इंटरफेस आता है। देखिए लिखा हुआ आ गया एजेंट डस नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले से हमें इसमें मनी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से पासबुक है, तो पासबुक से हम देख पाएंगे क्या मनी लो ऐड किए हैं, कितना मनी लोड किया है, रिचार्जेस किस नंबर पे किया है, सारे डिटेल्स यहाँ से हमको मिल जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं लोड मनी का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ अमाउंट डालेंगे। जो फर्स्ट टाइम आप अमाउंट लोड करेंगे तो इसमें मिनिमम जो है 1000 रुपीज़ का ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ 1000 रुपीज़ मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 1000
41.66 इतना अमाउंट, मतलब 4% कैशबैक हमें पहले ही मिल जाता है। मतलब मनी लोड करने के बाद इसमें उसी अमाउंट को रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कैशबैक हमें पहले ही मिल जाएगा, तो उस जो भी कैशबैक है उसको अगले रिचार्ज के लिए हम यूज़ कर पाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार का सिमिलर ऑफ़र जो है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, उसमें भी लॉन्च हो चुका है। क्या है, इस तीनों में से जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, ये तीनों चारों में से जो है मुझे सबसे अच्छा एयरटेल का लगा, क्योंकि एयरटेल में जो है जो इंस्टेंट, जो भी हम किसी दूसरों के एयरटेल नंबर पर रिचार्ज करते हैं तो इंस्टेंटली कैशबैक 4% का मिल जाता है, हमें पहले पे नहीं करना है। जब भी किसी भी पेमेंट मेथड से, मतलब पेमेंट गेटवे में जाएंगे, कार्ड से पेमेंट करेंगे या नेट बैंकिंग से करते हैं, तो वहाँ पे जो है इंस्टेंटली 4% का कैशबैक मिल जाएगा जितने अमाउंट का हम रिचार्ज करेंगे। मान लो 100 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो हमें सिर्फ 96 रुपीज़ पे करने होंगे, तो इंस्टेंटली 4% का कैशबैक हमें मिल जाएगा। तो मुझे सबसे अच्छा एयरटेल लगा, ये सारे जितने भी अभी ऑफर्स हैं इसमें, ये जो रिचार्ज करने का, तो सबसे अच्छा एयरटेल का ऑफर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।